नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो मेरा नाम है सचिन और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल सचिन वर्मा PS। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं जो नदिया के पार फिल्म है उसमें जो गुंजा होती हैं और जो गुंजा की एक सहेली होती है जिसका नाम होता है फूलेश्वरी। तो जब गुंजा की शादी तय हो जाती है, जब उनके पिताजी शादी तय करके आते हैं तो गुंजा को बताते हैं, तो बहुत खुश हो जाती है। उसके बाद दौड़ते हुए जाती है तो एक जगह पर गिर जाती है और उसके बाद उसके घुटनों में चोट आ जाती है। तो वहाँ पे ये बोलती हैं, गुंजा कहती हैं फूलेश्वरी। तो जो सामने घर दिखाया जाता है तो वो घर होता है उसकी सहेली फूलेश्वरी का। तो आज की वीडियो के अंदर हम आपको वो घर दिखाने वाले हैं बहुत ही अच्छे से। तो दोस्तों, चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल कर लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले ये छोटी सी जो क्लिप है फिल्म की वो हम आपको दिखाते हैं, फिर इसकी लोकेशन दिखाते हैं। और ये आप देख पा रहे होंगे थोड़ी चोट लग गई। असल में ऐसा हुआ, हम सो के सुबह उठे तो यहाँ पे पता नहीं क्या जो कीड़ा नहीं होते वही काट लिया या कुछ हो गया है, इस वजह से ये दाग हो गया। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और मिलते हैं लोकेशन पर। गुंजा, तुम आ गई गुंजा? फाइनली गाइज, अभी हम लोकेशन पे पहुंच चुके हैं। तो सामने आप देख पा रहे होंगे जो ये खड़ंजा टाइप में पूरा पड़ा हुआ है और जहाँ पे ये कुत्ता लेटा हुआ है इसी जगह पे नीचे की साइड पे गुंजा गिर जाती हैं। और अभी हमने स्क्रीनशॉट लगा दिया, आप वहाँ पर मैच करके देख सकते हैं। तो यहाँ से जब गुंजा गिर जाती हैं और उसके बाद उठती हैं तो बोलती हैं फूलेश्वरी। तो जो घर होता है सामने आप देख पा रहे हो ये घर होता है, और उसके बाद में जो ये कुआं आप देख पा रहे होंगे ये वही कुआं है जब गुंजा ससुराल जाती हैं चंदन के साथ में। तो जो एक आंटी पानी भरती हैं तो बोलती हैं, कहती हैं, कह रे गुंजिया ससुराल जा रही है क्या? तो गुंजा कुछ बोलती नहीं और बोलती हैं भाप करके, ऐसे कुछ बोलती हैं। तो इसी जगह पर वो जो सीन है फिल्माया जाता है, स्क्रीनशॉट हमने लगा दिया है और आप वहां से मैच करके देख सकते हैं। तो जो गुंजा की सहेली फूलेश्वरी होती हैं उनका यही घर होता है, आप सामने जो देख पा रहे होंगे नीले कलर के कमाड़े जो लगे हैं दरवाजे, तो ये वही घर है जो उनकी सहेली होती हैं उनका घर होता है फिल्म के अंदर। तो आज किस कंडीशन में है और आप देख सकते हैं। और वहाँ पर सिर्फ इतना ही दिखाया गया था फिल्म में, जब गुंजा गिरती हैं तो फूलेश्वरी करती हैं यहाँ गेट पर पीछे की साइड में, तो ये वही घर होता है। इसी घर में जो उनकी सहेली होती है गुंजा की, तो वो इसी घर में रहती है, कंफर्म है। और ये आप घर देख पा रहे होंगे ये टूट रहा है। और इन भाई से हमने थोड़ी जानकारी लेने की कोशिश की तो कुछ अच्छा बता नहीं पाए, इसी वजह से हमने ये आवाज़ अलग से डब की है। तो आप देख सकते हैं आज किस कंडीशन में है ये घर। और अभी तो जो ये घर है फ़िलहाल तो भी अच्छी हालत में है, लेकिन अब तोड़ फोड़ कर नया बनाया जा रहा है, अभी हम आपको दिखाते हैं। तो ये आप देख पा रहे होंगे जो ईंटें हैं ये इधर की साइड की जो दीवारें हैं ये सारी की सारी तोड़ दी गई हैं और नई बनाई जा रही हैं। तो देख पा रहे होंगे ये भाई लोग यहाँ पर ईंटों को जो साफ़ कर रहे हैं। तो फाइनली गाइस, ये छोटी सी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में इंटरेस्टिंग लोकेशन के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अगर दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल पर जरूर सब्सक्राइब कर लें, और इंस्टाग्राम पे अगर फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पर भी आप फॉलो कर लीजिए, वहाँ पर भी हम अच्छी अच्छी पोस्ट डालते रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो।